अयोध्या में राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद रजिस्टर जिला इकाई अयोध्या दिनांक 9/11 दिनांक 19/11/2023 सूचना विभाग उपनिदेशक के अधिकारी के खिलाफ 11 बजे तिकोनिया पार्क में शांतिपूर्ण राम नाम जप के साथ धरना प्रदर्शन किया गया। पत्रकारों के साथ हो रही अभद्रता, अन्याय और मनमाने ढंग से कार्य और उनका शोषण किया जा रहा है। उनको सरकारी लाभों से वंचित रखा जाता है। भव्य दीप उत्सव में सभी पत्रकारों को पास नहीं मिल पाया, जिससे उन्हें न्यूज़ कवरेज करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब 15/1/2024 से 22/1/2024 जनवरी को भगवान श्री राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। फिर दोबारा पत्रकारों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए सूचना विभाग के अधिकारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। अंदर जाने को नहीं मिल रहा था हम लोगों को, और फिर जो सुविधा आती हम लोग तक नहीं पहुंचती है। केवल जो मान्यता पत्रकार हैं, केवल मान लो इससे 15 लोग के आसपास, केवल इन्हीं लोगों को सूचना दिया जाता है, इन्हीं लोगों को मिलता है, और हम लोग हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। और हम लोग अपनी मांगों को लेके जो है यहाँ धरने पर बैठे हैं। कम से कम 50 लोग तो क्या आए थे, क्या शासन मिला सुना? उन्होंने कहा कि ठीक है, जितनी मांगे आपकी है सब पूरा करेंगे और बैठक करेंगे, आपको बुलाया जाएगा, टाइम दिए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संगीता श्रीवास्तव, सरगोध अर्बन न्यूज है, और मैं पत्रकार सुरक्षा परिषद से महिला अध्यक्ष हूँ। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पत्रकार जो है चौथा स्तंभ है, लेकिन यहाँ पर जो अयोध्या है यहाँ पर चौथे स्तंभ की सूचना विभाग उस तरह से धज्जियाँ उड़ा रही है, इस प्रकार से मान सम्मान को घटा रही है कि ये बहुत दुखद और निंदनीय है। कहा जाता है कि अभी दीप उत्सव का कार्यक्रम हुआ, उसका वीडियो भी वायरल हुआ है, किस प्रकार से मान सम्मान किया जा रहा है उस वीडियो में आप सब देख सकते हैं। वैसे ही बहुत से कारण सूचना विभाग यहाँ पर जो कुछ ही लोग हैं ऐसे जिनको महत्व देता है, उसके अलावा जो निर्भीक और निडर ईमानदार पत्रकार हैं जो क्षेत्र में रात दिन कार्य कर रहे हैं, और जो भी कहा जाता है पत्रकार एक समाज का आईना होता है, जो चीज़ें दिखता है साक्ष्य के साथ उसे जो है जनता और सरकार के समक्ष रखने का प्रयास करता है, लेकिन जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता है भ्रष्ट अधिकारियों से या जो भ्रष्ट सिस्टम में, तो वो कहते हैं ये सरकारी कार्य में बाधा पहुँचा रहा है, इसलिए इस पे मुकदमा करो, उसे जेल भेज दो। क्यों? क्योंकि वो सत्य दिखाने का प्रयास कर रहा है जो है, लेकिन जो उनके खजाने को भरने में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है वो पत्रकार उनके लिए अच्छा है जो है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, कलम उसकी ताकत है, आवाज उसकी ताकत है, तो उसके आवाज को और कलम को दबाने का प्रयास ना किया जाए, उसे स्वतंत्रता की आज़ादी दी जाए, को निर्भीक और निडरता के साथ अपने खबर को लिख सके और दिखा सके और सरकार तक पहुंचा सके कि ये कमियां हैं इसको दूर करनी चाहिए, और ये कमियां जो सरकार की अच्छी योजनाएं हैं उसे भी जन जन तक पहुंचा सके। इसलिए इसी तमाम अव्यवस्था को लेकर सूचना विभाग में भी तमाम ऐसी अव्यवस्थाएँ हैं, बहुत से पुराने पत्रकारों ने कई बार यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कई बार आरोप लग चुके हैं, लेकिन तब भी वो अपना मनमानी अभी भी चला रहे हैं। और देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।